हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, एलविस यादव जब बिग बॉस के घर के अंदर में थे, तब एलविस यादव के सपोर्ट के लिए उनके टीममेट्स ने जगह जगह पे बैनर लगवाए थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके। तो इसी चीज पे विनय यादव अपने कल के पॉडकास्ट में रिवील किए कि जब एलविस यादव बिग बॉस के घर के अंदर में थे और हम लोग एलविस यादव के सपोर्ट में बैनर लगा रहे थे, तब बहुत दिक्कतें आई थी क्योंकि उस टाइम पे दंगे हुए पड़े थे, फिर भी हम लोगों ने बैनर लगवाई। और इतनी दिक्कत से बैनर लगाने के बाद भी कई सारे ऐसे हेटर्स थे जो कई सारे बैनर ही फाड़ डाले। बाकी इसके बारे में विनय यादव प्रॉपर बातें करते हुए क्या गए, हम लोग खुद सुन लीजिए। जब एलविस भाई बिग बॉस में थे, आपने खूब मेहनत करी भाई, बहुत फ्लैश बोर्ड लगवाए, जगह जगह मीटअप करे, सब चीज करी। तो भाई एक तो जैसे एलविस के साथ हैं तो चलो सब चीज हो रही है, कर रहे हैं। अब जब वो बिग बॉस में है और आप बाहर हो तो क्या क्या दिक्कत आई भाई? भाई दिक्कत तो देखो मैं आता हूँ, उस टाइम पे हमारे यहाँ ना दंगे हो गए थे, दंगे हरियाणा में, ये सोना साइड में दंगे हो गए थे, उसी दौरान की बात बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। जब एलविस बिग बॉस में गया था जी, तो हमें एक मीटअप रखना था जो हमने रोहिणी में किया था लास्ट में। हाँ। वो मीटअप हम गुड़गांव में करते, भाई हमारी जन्म मूवी गुड़गांव, हमारी कर्म मूवी गुड़गांव, तो हम गुड़गांव में करते हैं। सबसे पहले लेकिन फ्लैक्स बोर्ड्स पे आए थे भाई, रात को लगवाते थे, सुबह को फाड़ जाता था। अच्छा, दिक्कत ये भी, ये तो हमने मतलब बहुत बड़े बड़े पोस्टर हर जगह लगवाए थे, पता ही नहीं लगा रात रात में लोगों ने कहा दो तीन तो फाड़ दिए, मतलब कई कई लोगों ने सपोर्ट पूरा किया, दो तीन जगह फटे भी मिले हमें, फटे भी मिले। हाँ, मतलब लोग नुकसान, जिस बोर्ड को लगाने में दो घंटे एक घंटे लगे, उसने अगर सुबह मिले ना तो क्या सोचो ना। तो बाकी गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एलविस यादव और विनय यादव के दोस्ती को लेकर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।